ऐलान कर दीजिए अगले जुमे को इसी मस्जिद में खिताब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा, बयान नूरुद्दीन जंगी पर होगा, बयान अर्तुगरुल गाजी पर होगा, बयान मोहम्मद बिन कासिम पर होगा, बयान अल्लाहु अकबर हजरत तारिक इब्न ज़ियाद पर होगा, एक सब भी खाली नहीं होगी। मैं कहता हूं ये कौम के ऊपर थोपते थोपते जमाना हो गया कौम बुरी है, जरा ये भी तो देखिए कि हमारे जुमे के खुतबे का अंदाज क्या है। वही 75 साल हो गए आजादी के बाद से लेकर आज तक, पूरी जिंदगी हो गई हमें करामतें और फजीलतें सुनाते सुनाते। काश के मौजूदा दौर की जरूरत पे बात की होती तो हमारी सफ़े अव्वल जवानों से भरी होती, काश के मौका महल की बात की होती तो सफ़े अव्वल भरी होती। मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं हमारी कौम का इमाम हमारा रहनुमा बन जाए, मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं मेरी कौम का इमाम हमारा लीडर बन जाए, मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं नामूस रिसालत पर हमारी मस्जिद का इमाम खड़ा हो जाए हमारे साथ हमारी सरपरस्ती करे। याद रखिएगा फजीलतें करामतें सुनाते 75 साल का जमाना हो गया, इस मस्जिद को भरना है तो अंदाज ये अपनाइए। आज जुमा है, अगले जुमे के लिए एक जुमा पहले ही ऐलान कर दीजिए अगले जुमे को इसी मस्जिद में खिताब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा, तुम देखना मस्जिद में जगह खाली नहीं होगी। एक जुमा पहले ऐलान कीजिए अगले जुमे को बयान नूरुद्दीन जंगी पर होगा, देखना मस्जिद की ये सब भी खाली नहीं होगी। ऐलान करिए एक जुमा पहले अगले जुमे को बयान अर्तुगरुल गाजी पर होगा, मस्जिद की एक सब भी खाली नहीं होगी। ऐलान कीजिए अगले जुमे को मस्जिद में बयान मोहम्मद बिन कासिम पर होगा, एक सब भी खाली नहीं होगी। ऐलान कीजिए एक जुमा पहले अगले जुमे को बयान अल्लाहु अकबर हजरत तारिक इब्न ज़ियाद पर होगा, एक सब भी खाली नहीं होगी। हम बेतवज्जुही के शिकार हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, यहां से वहां से सोशल मीडिया के चंद मैसेज पढ़ने के बाद जुमे के दिन खड़े हो जाते हैं। हमने जुमे के खुतबे को जितना आसान समझ लिया, जुमे का खुतबा इतना आसान नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये जुमे का खुतबा पूरे हफ्ते का कौम के लिए सबक होता है, पूरे हफ्ते का दर्स होता है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए तो अपने उलमा को मुखातब करके कहा था, ए मेरी कौम के उलमा, तुम्हारी इमामत सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है, इमामत किस चीज को कहते हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा, सुनो तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरों मौजूद से बेजार करे, देख एहसास जया तेरा लहू करमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इमामत का मतलब सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ाना नहीं है।